केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में आम बजट 2019 पेश किया है। इस बजट में पानी की महासंकट से जूझ रहे बुंदेलखंड और पूर्वांचल को बड़ा तोहफा मिला है। निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पर भी केंद्र सरकार की वरीयता में है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों के साथ ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड में शुद्ध पीने का पानी बड़ी समस्या है। इसके लिए इस बार केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके तहत जलापूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 1592 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके साथ ही जिलों में जल शक्ति अभियान चलेगा, इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का है। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल परिवहन के तहत वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग 2020 तक पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जलमार्ग पर बन रहे 4 मल्टी मॉडल टर्मिनलों में से पहले टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया था। ये सभी टर्मिनल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विश्व बैंक की मदद से जल विकास मार्ग परियोजना के तहत निर्मित किया जा रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट 2020 में तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में पानी के संकट को लेकर यूपी तक लगातार खबर करता रहा है। यूपी तक की इस मुहिम को आज संसद में बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने जगह दी है।